Is actually mindful meditation. And when we talk about mindful meditation, there are certain neuropsychological findings. And those neuropsychological findings are actually advocating that this mindful training is going to develop focused attention of the leader. The second finding we have is that our working memory capacity would be enhanced, and that working memory capacity. would be getting better and better and 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 through through our our meditation focused analysis. The third most important thing is that monitoring and in of internal and external stimuli would be better controlled. थ्रू अवर के लिए मुमकिन हो पाएगा कि वो ये जान सके कि किन किन चीजों को उसने कब कहां क्यों कैसे कंट्रोल करना है और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी जात को इफेक्ट कर रहे हैं उसके अपने इमोशन से लेकर एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसिस तक लीडर नीड्स टू नो के वर द स्टेमुल्स वर द्वट्स जहां पर उसको अपना फोकस रखना चाहिए इसके अलावा देर इज सर्टेन एस्पेक्ट इन विच वी हैउट द वैल्यू ऑफ माइंडफुलनेस और जब हम वैल्यू ऑफ माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो वी नीड टू कम अपडरशिप ट्रेनिंग जिस ट्रेनिंग में वो अपने माइंडफुल तो परस्पेक्टिव को सही मानों में डेवेलप वो कर सके उसके लिए सबसे अहम चीज यह है कि द पर्सन शुड बी एबल टू डिवेलप हिज और हर एम्पथी और जब वो अपनी एम्पथी को बढ़ा सकेगा वो दूसरों की केयर कर सकेगा तो जाहिर है कि उससे ट्रस्ट वर्दीनेस उसकी क्रिएट होगी उसकी क्रेडिबिलिटी बेहतर होगी द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द लीडर वुड बी एबल टू डिवेलप द अटेंशनल स्किल कि किन बातों को फोकस में रखना है किन बातों को ज्यादा तवज्जो देनी है और किन एस्पेक्ट्स को ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ बयान करना है थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इन द लीडरशिप ट्रेनिंग जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं एंड दैट इज ऑब्वियसली टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस और उस इमोशनल इंटेलिजेंस में नो डाउट वी नीड टू सी सोशल इंटेलिजेंस वी नीड टू सी सेल्फ अवेयरनेस वी नीड टू सी मोटिवेशन एंड वी ऑल्सो नीड टू नो कि हमारी एम्पथी जो है वो कैसे डेवेलप हो सकती है इस लीडरशिप ट्रेनिंग में जब हम माइंडफुलनेस को डिवेलप कर रहे हैं एन अदर इंपोर्टेंट परस्पेक्टिव इज के वी हैव टू बी क्रिएटिव हमें अपने माइंड की उन फैकल्टीज को उजागर करना है जो कि हमें नए से नए रुझाना की तरफ वो लेकर जा सकें हम इन्वेंशन कर सकें और फिर उस इन्वेंशन को कमर्शलाइज कर सकें जो कि एक बेसिक मफहूम है इनोवेशन का देयरफॉर फोर एम्पथी से अटेंशनल स्किल से इमोशनल इंटेलिजेंस से एंड टू हैव क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन द लीडरशिप वुड बी बेटर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द राइटफुल आउटकम्स अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज भी बहुत अहम हमें याद रखनी है कि माइंडफुलनेस एलोन इज नॉट अपेनसिया। पेनसिया वुड मीन कि हम इसको हर मसले का हल नहीं जान सकते बट माइंडफुलनेस ऑब्वियसली हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को ट्रिगर वो जरूर करती है और इसके साथ साथ द लीडर वुड बिकम मोर एफिशियंट एंड मोर इफेक्टिव सो कंक्लूडिंग दिस आर्टिकल द फर्स्ट पॉइंट वी नीड टू फोकस अपॉन इज ट माइंडफुलनेस हेल्प पीपल टू बिकम मोर प्रेजेंट वो लम्हा मौजूद में जिंदा रह सकते हैं और उस लम्हा मौजूद में वो जान पा सकते हैं कि उनके लिए ज्यादा अहम फैक्टर्स वो क्या हैं द सेकेंड थिंग दोडर्स हुई माइंडफुल वुड बिकम लेस रिएक्टिव राधर दे वुड बी मोर प्रोएक्टिव वो प्रोजेंट कॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट देख सकते हैं चीजों का राधर देन के वो सिर्फ जज्बातीत से मसले को हल करने की कोशिश करें And the third phenomena is that they can be more deliberate and purposeful. Unke liye maksad clear hota hai. Unke liye objectives defined hote Therefore, they can operate more positively and more constructively. Last but not the least point is that the leader would be able to come up with new options, ese options jo us ki zarurat ho, jo us times of trials mein aapko darkar hain. So un options se. आप किसी भी चैलेंज का सामना बासानी तौर पर वो कर सकते हो अब अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा टू रिमेन माइंडफुल इज द राइट वे ऑफ असेसिंग अ सिचुएशन एंड फॉर अ लीडर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ समझ पाए कि कहां पर फोकस रखना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको इमोशनल एक्सप्लाइटेशन की तरफ लेकर जा रही हैं Thank you.